18 साल के मुखारविंद से आज वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। महान कल्याणकारी परम चमत्कारी संसार के धर्मों में जिसको पहला स्थान मिला है ऐसे भक्तामर स्तोत्र जिसकी एक एक गाथा में अखूट खजाना छिपा है, जिसका कभी प्रयोग करना नहीं आया। एक स्त्री मंजू जैन जो नागपुर में है उसने सिर्फ एक गाथा पर पूरी पीएचडी की और कितने ही लोगों के कैंसर रोग को खत्म कर दिया भक्तामर की 45वीं गाथा के जाप से मंत्र से। तो हर एक गाथा के विषय में आपको पता चलेगा कि पहली गाथा किस लिए है, उसका मंत्र जाप क्या है और किस तरह से कैसी स्थिति में कैसी परिस्थिति में ये भक्तामर इस भक्तामर की रचना हुई। आचार्य मान तुम के 48 ताले टूट गए। हम कितना दंभ भरते हैं, हम भक्त हैं, हमारे अंदर ऐसा है वैसा है और एक कच्चा धागा तोड़ने की शक्ति भी हमारे पास है। आचार्य मान तुम के तो ताले टूट गए, वो ताले तोड़ना नहीं चाहते थे, उनका तो ध्यान भी नहीं था कि कहीं कोई ताला। एक वैज्ञानिक ढंग से ये गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे कैसे टूट गए वो ताले, कौन सी थी वो ताकत, कौन सी थी वो शक्ति, कैसी थी वो ऊर्जा जिससे वो ताले टूटे। तो बहुत ही सुंदर और सबसे बड़ी बात कि वो इतना तपस्वी है। चातुर्मास से 2 दिन पहले से ही आज 5वां आयंगिल है गुरु जी महाराज साहब का, आयंगिल प्रारंभ हो गए हैं। आयंगिल की इस तपोमयी वाणी को सुनकर आपको धन्य हो जाएंगे, जैसी भावना से सुनेंगे आपको परम कल्याण की अनुभूति होगी। इसी के साथ बहुत सारा समय मैंने ले लिया है गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से, लेकिन आज रविवार है, इतवार का आपका इतवार करना चाहते हैं, इतवार है ना आज, तो आपका इतवार करें, उठ के चलने तो नहीं लगोगे, थोड़ी तो स्थिरता रखोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, इसलिए इतवार का एतबार बनाए रखना। अब गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी दिव्य तपोमयी अमृतमयी वाणी का आह्वान करेंगे। ओम शांति। पुण्य ऋषभ देव भगवान की, जिन शासन देव की, जिन शासन माता की, पहले हम प्रार्थना करेंगे ऋषभ देव भगवान की स्तुति के रूप में, और उस प्रार्थना के साथ साथ पहले अपने इष्ट का ध्यान रखो। आप अपने गुरु को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लेकर के मेरी वो पुरानी प्यारी सी पंक्तियां वो जरूर याद कर लेना, जिसने हमें सब कुछ दिया है हमने उससे लिया ही लिया है। हम उसको कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं उसे हम कुछ? नहीं दे सकते, परंतु दे सकते अपनी भक्ति दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, अपना समर्पण दे सकते हैं, अपनी आत्मीयता दे सकते हैं। कोई किस रूप में उसके सामने नादान बन जाओ, भोले मासूम बच्चे बनकर के उसके सामने आ जाओ, तो हमने उनको अपना वो मासूमियत दे दी, अपना भोलापन दे दिया, अपनी भक्ति दे दी। तो आओ मिलकर के मुझे तुमने गाता वो मुझे कुछ दिया है, मुझे तुमने गाता वो मुझे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार सब मिलकर के शुक्रिया करना,
मेरा भूल जाना, तेरा ना बुलाना, तेरी पागल किया तेरी मोहब्बत ने, पागल किया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम सत्या, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य, परम गुरु भैया के चरणार बिंदु में वंदन करते हुए धर्म प्रांगण में उपस्थित मेरे निज आत्मबंधु नादानी को जो दूर कर दे वो जिनवानी कहलाती। भटके हुए रास्ते को चलते हुए राही के लिए जो रास्ता सही दिखा दे वो विप्रागवानी कहलाती है। आत्म का बोध करवा दे आत्म गलानी से बढ़ते वो सुतवाणी कहलाती है। जीवन का सुधार कर दे वो गुरुओं की वाणी कहलाती है। जीवन जी जीना है जिसने, वा वमन कर दे कुरीतियों का, वमन कर दे मिथ्यात्व का, नवीनता में आ जा, पुराना सारा भूल जा और नए पन में आ जा। पुराना भूलते हो कभी भूले? अगर कोई मर भी गया है ना तो भी उसकी बात को बोल दो ना, क्या रखते हैं? याद रखते हैं। इसलिए जीवन का न कहता है नवीनता में आ जा, भूल जा जो हो गया सो हो गया, उसकी भूलती उसने बोल दिया तुम्हें, तुम्हारे साथ कर दिया उसकी भूलती, परंतु तू तो नवीनता में आ जा, तेरा जीवन नया बन जाएगा। भक्तामर जिसका नाम ही भक्त अमर, और उसकी शुरुआत भी किससे होती है? किसी से नहीं होती है, भक्त अमर प्रणाम से, यानी भक्त अमर हो जाता है। कब? एक भक्त है, एक भक्ति है और एक परमात्मा। भक्त होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो परमात्मा का मिलन होगा। साधक साधन और साध्य, साधक के पास साधन होंगे तो साध्य को प्राप्त हो जाएगा। ये एक भक्ति का स्तोत्र है और ऐसा स्तोत्र है जिसमें कहीं मांग नहीं की गई, याचना नहीं की गई। इस पूरे स्तोत्र में कहीं क्या है, प्रभु से कुछ नहीं मांगा गया। जबकि लोकस के अंदर भी क्या कहते हैं, सिद्धा सिद्धि, उसमें भी मांग है ना कि भी प्रभु मेरे को क्या देना, सिद्धि दे। परंतु एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें केवल प्रभु के बाह्य और आंतरिक गुणों का ही क्या किया गया है, वर्णन किया गया, और इतना डूब करके किया गया है
उस भक्ति के अपार सागर को ही इसमें उभेरा गया। ये एक ऐसा नजारा है कि जिसके अंदर आप डूबते जाओगे डूबते जाओगे डूबते जाओगे तो कुछ ना कुछ क्या है, गहरे रत्नों को, ऐसे अमूल्य रत्नों को प्राप्त करते चले जाओगे। चमत्कार अपने आप होता है, कोई करने के लिए नहीं करना। आप भक्त अमर करते हैं और क्या कुछ नहीं हुआ, इसमें कमी भक्त अमर की नहीं है, कमी तुम्हारी भक्ति की है, तुम्हारी साधना की है। साधना सही है, साधक सही है तो साध्य प्राप्त अवश्य हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी एक्चुअली परिस्थितियों में यह लिखा गया, लिखा नहीं गया, इसकी रचना भी नहीं की गई, रचना हो गई, अपने आप हो गई, जो अंदर से निकला वह रचना बनती चली गई। नहीं तो क्या है, कुछ लिखने के लिए बैठो, कलम चाहिए, कागज चाहिए, कुछ ना कुछ साधन चाहिए, पर तो उसमें तो कोई साधन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके पीछे एक कहानी तो मेरे ख्याल आपको बहुत लोगों को मालूम होगी, 11वीं शताब्दी में ये लिखा बना, रचना हो गई, लिखा भी नहीं बना भी नहीं, बन गया। वृद्ध गोवर्ध राजा की नगरी, आज मैं दो दिन इसको मेरे ख्याल क्योंकि समय को देखते हुए दो दिन इसकी भूमिका में लग जाएंगे। वृद्ध गोवर्ध राजा की नगरी धनवानों और विद्वानों से सुसज्जित थी। एक दिन राजा ने कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा था कि जिसमें सभी का उपस्थित होना जरूरी था, सभी सभासदों का, अधिकारियों का, पदस्थ लोगों का आना जरूरी था। परंतु उस दिन मंत्री उपस्थित ना हो सका, मंत्री जैन था। राजा ने सबको देखा, मंत्री नहीं आया, परंतु राजा का उस मंत्री से बहुत प्यार था, और अगर वो नहीं आया तो राजा को ऐसा लगता था मेरी सभा में कोई कमी है। जहां प्यार होता है नजरें उसी को ढूंढती है, ढूंढती है ना, बाजार जाते हो जिस चीज को आपने खरीदना होता है उसी दुकान पे नजरें जाती है। राजा ने देखा मंत्री नहीं आया, पूछा क्या बात है मंत्री आज नहीं आए, सब तरह की दुनिया है, किसी के मित्र है तो उसके दोस्त भी है और दुश्मन भी है। जिनको मंत्री से क्या थी, ईर्ष्या थी, सोचते थे राजा का इस मंत्री से बहुत प्यार है, उन्होंने उस समय उनको मौके को संभाला और कहते महाराज मंत्री का प्यार था, आपसे बढ़कर के तो उसे अपने गुरुओं से प्यार है। बाहर उद्यान में आचार्य मानतुंग पद हारे हुए हैं, वो तो उनके चरणों में चला गया, उसे राजा की कोई परवाह नहीं है। बुला करके भेजो, मंत्री को बुलाया, कुछ देर का सत्संग रहता था, कहते मैं अभी आता हूं। देखा महाराज आपकी आज्ञा की अवहेलना भी करती कि मैं अभी आता हूं, उसी समय नहीं उठा, आ जाएगा। प्यार में कुछ सहन हो जाता, समय पे मंत्री अपने सत्संग पूरा हुआ आया। क्या बात, महाराज गुरुदेव पधारे थे, सत्संग में बैठ गया, जिन वाणी का पान कर रहा था, आपके गुरुओं में क्या करिश्मा है, क्या कर सकती है वो। कालिदास कहता, कालिदास की उस सभा का क्या था, एक श्रृंगार था, कालिदास को मौका मिला, उसने कहा महाराज मेरे क्या है, मैं काली माता की आराधना करता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ कि मेरे कोई हाथ काट दे तो मेरी काली माता मेरे द्वारा हाथ जोड़ देगी। सब अपनी अपनी क्या है आराध्य की प्रशंसा करने लगे। तो मंत्री से कहा तेरे गुरु क्या कर सकते हैं, महाराज वो तो साधक है, वो सच्चे उपासक है जिनवाणी के, वो चमत्कार नहीं दिखाते, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, बुलाओ उनको। गए
आपको महाराज ने याद किया, अरे संतों का क्या काम, राय दरबारों से उनका कोई मतलब नहीं, हम तो अपने अंदर ही खोजना चाहते हैं, बाहर नहीं। जवाब आ गया राजा के पास, देखो महाराज कितना अहंकारी है, नहीं आया, दो बार कहा, तीन बार चला करके देखा, नहीं माने, पांचवी बार में महाराज ने कहा कि जैसा है वैसा ही ले आओ, उसी के ले आओ, उठा करके ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ। जब वो पांचवी बार में उनको घसीट करके लेकर के आई, राज दरबार में उपस्थित किया, मौन कर लिया। राजा बाहर की ओर जा रहा है और आचार्य मानतु अंदर की ओर जा रहे हैं। बोलो अपना चमत्कार दिखाओ। आचार्य श्री मौन, जितना उनका मौन गहरा होता गया उतना ही राजा का क्रोध बढ़ता गया। अरे कुछ तो बोल। वो कहते हैं मैं मौन में जा रहा हूं, और वो राजा कहता मैं क्रोध में जा रहा हूं। बाहर में देखा तो जहान नजर आया, अंदर में देखा तो भगवान नजर आया। राजा बाहर के चमत्कार देख रहा था और आचार्य श्री अंदर अपने प्रभु से मिल रहे थे। ये तो आपको सबको कहानी लगभग आती है, परंतु इसके साथ एक और दिगंबर आमना की दृष्टि से भी इसके, क्योंकि ये स्त्रोत्र ऐसा है जो सभी संप्रदाय, चारों संप्रदाय इसको क्या करते हैं, महत्व देते हैं। अब तो क्या है, विषय में ही ये क्या हो गया है, मान्यता प्राप्त हो गया है, नहीं तो चारों संप्रदाय भक्तामर को मानते, चाहे दिगंबर है, श्वेतांबर है, तेरहवर के स्थान करते, सभी भक्तामर की आराधना करते। राजा वो ही वृद्ध बोध है, सभा लगी हुई है। दूसरी कहानी मैं आपको संक्षिप्त में करूंगी। दरबार के अंदर एक वणिक आया अपने साथ में छोटे बेटे को लेकर के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उस बच्चे को देखा, बच्चे को देखकर के बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि चेहरा बड़ा उसका क्या था, सुंदर था, और चेहरे का केद भी अच्छा था। तो वो वणिक को देखकर के मैंने कहा, अरे ये किसका बेटा है? महाराज आपका ही बेटा, ये मेरा बेटा, ये आजकल क्या पढ़ाई कर रहा? महाराज लौकिक दृष्टि में तो ये स्कूल की पढ़ाई करता है, परंतु साथ में एक हमारे धनंजय गुरु हैं, उन्होंने नाममाला नाम की एक ग्रंथ लिखा है, उसके श्लोक याद करता है। और वृद्ध बोध राजा को संस्कृत से बहुत प्यार था, वो खुद भी क्या था, बहुत जानकारी रखता था, और उसे उन श्लोकों से भी प्यार था। उन्होंने बेटे को कहा, बेटा एक दो श्लोक हमें भी सुनाओ, क्योंकि तो जिसको जिसमें रस होता है उसको वही अच्छा लगता है। उस बच्चे ने श्लोक दो चार पढ़ने शुरू किए, राजा तो एकदम अभिभूत हो गया। अरे ये धनंजय कवि इतने उच्च कोटि के कवि, क्या कमाल के श्लोकों की रचना है, क्या भाव है, क्या शैली है, क्या इसका सौंदर्य है। मनी मन कहते कालिदास आयकर तो मैं ही तुझे क्या है, इतना बड़ा विद्वान मानता था, तभी मानता था, परंतु आज मुझे पता चला कि तेरे समान एक धनंजय कवि भी हुए हैं। उन्होंने उस वणिक को कहा, मैं धनंजय कवि के दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा संदेश देना, मैं उन्हें अपने दरबार में एक मान देना चाहता हूँ, एक इज्जत देना चाहता हूँ। धनंजय कवि के पास संदेश पहुंचा, उसने कहा राजा ने याद किया है, दरबार में आ गए और आकर के राजा की संस्कृत के श्लोकों में स्तुति की। राजा गदगद हो गया, कमाल की रचना है तुम्हारी, धनंजय कवि मैं आपको आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, और मैं तुम्हें क्या है सहयोग देता हूँ,
कि आपके इन श्लोकों की एक क्या होनी चाहिए, एक ग्रंथ बनना चाहिए, एक रचना करनी चाहिए, उसके लिए सारा खर्चा मेरी तरफ से तुम्हें मिलेगा। तो कौन चिढ़ गया वहां बैठा है? आज एक दूसरे के गुणों को कोई बर्दाश्त करता है? उस समय में भी यही बात चली थी। पहले क्या जमाना होता था, कहीं पर संत के दर्शन करने आते और उनसे कह देते, अरे भाई इधर से तुम जा रहे हो तो रास्ते में यहाँ यहाँ भी संत साधिया है, वहां दर्शन करते हुए चले जाना कहते थे। और आज कहीं से कोई दर्शन करके आ जाए तो मंगली की देना भी आप किसी के साथ ऐसी गुजरी होगी कोई बात? अच्छा वहां से आए हो, चलो ठीक है। अरे हम किस आराधना में जी रहे हैं या कैसा जीवन जी रहे हैं, जिन वाली क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं? सभी प्रभु के साधक है, तो सभी जिन वाली के उपदेशक है। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, और अंदर की साधना जिसके पास है ये किसी के पास पैमाना नहीं। कालिदास चिढ़ गया, कहते महाराज ये तो धनंजय छुट्टा है झूठा, ये बनिया धनिया तो तोड़ सकता है परंतु ये काव्य रचना नहीं कर सकता, ये क्या है कुछ नहीं कर सकता, इसको संस्कृत का क्या ज्ञान? ये धनंजय ने जो कहते हैं नाम माला रचना लिखी है, ये नाम मंजरी थी, मैंने इसकी रचना की थी, इसने इसका नाम बदल दिया। राजा ने कहा इसकी ये नई स्तुति के जो श्लोक सुने हैं वो ही बता रही है कि इसकी संस्कृत के ऊपर इसका अधिकार पूरा है। और नहीं महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ इसकी क्या होनी चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, मेरे साथ इसकी क्या होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, शुरू होगी प्रतियोगिता। और धनंजय का पलड़ा ऊपर उठने लगा, कालिदास थोड़ा हारने लगा, तो एकदम खिंच करके कहता, नहीं नहीं महाराज, इसके साथ मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, इसके साथ नहीं मैं करूंगा, मैं तो इसके गुरु आचार्य मौन उनके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, विवाद करना चाहता हूँ, उनके साथ मेरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। बहुत बना फिरता है, जंगलों में रहता है, और वो कहता है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, लाकर के दिखाओ उन्हें राजदरबार में, मैं उनके साथ से अंदर से पता था आचार्य मान तुम तो बहुत ऊंचे साधक है, वो आएंगे नहीं और मैं जीत जाऊंगा। मिथ्या का उसने सहारा लेना शुरू किया, तो वो जो धनंजय था उसने कहा जब तक मेरे साथ बात थी मैं चाहे हार भी जाता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इसने मेरे गुरु के ऊपर, मेरे गुरु के ऊपर नाम ठोका है। उसने कहा कालिदास पहले गाय को तो गो के दिखा दे, शेर के कनों को, शेर के कनों को बाद में हाथ लगाना, पहले मेरे साथ शास्त्रार्थ में जीत के दिखा, बाद में मेरे गुरु के ऊपर आना। नहीं 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 महाराज, मैं तो क्या है आचार्य मान तुम से ही चर्चा करूंगा। यहां तक कहानी में थोड़ा आपस में अंतर, और आगे कहानी वो यही है कि आचार्य मान तुमको बुलावा भेजा वो नहीं आए, 5 बार लेने के लिए लोगों को बड़े बड़े अपने अधिकारियों को भेजा नहीं आए, तो जबरदस्ती उनको घसीट करके लेके आए, सारे क्या हाथ पैर शरीर क्या हो गए, जख्मी हो गए, परंतु मौन वैसा ही रहा। और जब मौन ऐसा हो गया कि इनको कोई बुला नहीं सका, तो राजा ने कहा डाल दो इनको कैद कोठरी में, मेरे यहाँ 1, 2, 3, 4, 48 कोठरियां कमरे ऐसे बने हुए हैं, लास्ट वाली 48वीं कोठरी में डाल दो, और हर एक कमरे के बाहर एक एक ताला लगा दो, डाल दो, अपने आप बोलेगा, जब बोलेगा तो फिर इसके साथ बात होगी। यहां तक की कहानी। अब वो कोठड़ी में पड़े क्या करेंगे, कैसा होगा, कैसी रचना होगी, ये आप सुनेंगे। कल से इसका पारायण प्रारंभ हो जाएगा।
अपनी किताबें लेकर के आना, क्योंकि ये बहुत अनोखी रचना जिसमें ना कागज का प्रयोग हुआ, ना पेन का प्रयोग हुआ, ना किसी पुस्तक का प्रयोग हुआ, अंदर की आवाज निकली और कैसी भक्ति का आगाज हुआ, ये अंदर का नजारा बदला। और ये नजारे में डूब करके देखो तो कहते किश्ती बदल के देखो, किनारे बदल जाएंगे, नजरे बदल के। सुधरमा पीठ पर विराजे गुरुजी भगवान के चरणों में शत वंदन। इस गरिमा में धर्म प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चातुर्मास प्रारंभ का तीसरा दिन, नमोकार महामंत्र के 13 घंटे के जाप का दूसरा दिन। सौभाग्यशाली है वो लोग, सौभाग्यशाली है वो परिवार जो जाप के अनुष्ठान में अपने आप को शरीक कर रहे हैं। कल जाप का प्रारंभ अलका जी नाहटा के निवास स्थान पर हुआ, जो समस्त श्रावक पूछे उनको नाहटा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाप का अनुष्ठान हमारे संघ के सरल मना आदरणीय खिंदावत जी के निवास स्थान पर हो रहा है। उनका विनम्र आग्रह कि नागोड़ा चौक से जो हमारा रास्ता जाता है, सेकंड गली में उनका मकान है, 755 नंबर का बाहर बैनर लगा हुआ है कि 13 घंटे के नमोकार मंत्र का जाप वहाँ हो रहा है। कृपया मकान नंबर याद रखिये, 755 स्क्रीन नंबर 71 डी सेक्टर में। कृपया उनके निवास स्थान पर पहुंचे। कल के जाप का अनुष्ठान हमारे संघ की यशस्वी महामंत्री आदरणीय मधु जी मान सिंह जी लोहा के निवास स्थान गुमास्ता नगर चौराहे पर होगा। उनका विनम्र आग्रह कि कृपया होने वाले जाप के अनुष्ठान में पधारे। जैसा कि महासचिव मुक्ताश्री जी महाराज साहब ने आज निवेदन किया है, आज रात्रि को ठीक 9 बजे गौतम नव जी जाप अनुष्ठान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलश भर के आ चुके हैं। जिन महानुभावों को कलश के अनुष्ठान में शरीक होना है, कलश लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा से अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। कृपया जिन जिन को कलश लेना है अपने नाम लिखाने का कष्ट करें, क्योंकि वो कलश धार से मंगाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था में 2-3 दिन का समय लगता है। नखरा 1500 रूपए निर्धारित है। जिन जिन लोगों को जो जो तारीख दी गई है वो अपने कलश की स्थापना करेंगे, वो संवत सारी के दिन वो समानुष्ठान का समापन करेंगे। ये आप सबकी सूचना है। हमारे जैन साधना भवन में लगातार निरंतर वर्षों से हम हर रविवार को सामूहिक समय का आयोजन करते हैं, और माह के अंतिम रविवार को सामूहिक रूप से आयोजन करने के बाद 3 लक्की ड्रा खोल के चांदी के सिक्के का वितरण करते हैं, और बाद में सब सामूहिक रूप से स्वल्पाहार करते हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह कि महासती जी के मंगल पाठ सुनने के बाद आप स्वल्पाहार प्रसाद लेकर अवश्य जाएं, जिससे कि हमारे संघ की जो व्यवस्था है वो आगे बड़ी बन सके। शर्म चाहूं, शर्म चाहूं, शर्म चाहूं।